सबसे पहले चार लाइन की शुरुआत करता हूँ कि तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, थाल पूजा के बनोगे तो आरती हो जाओगे, और जिस दिन मेरे देश के इतिहास का क्षण भर भी जान लोगे तुम, बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे, बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे। कुछ शब्द हमें अपनी माताओं और बहनों के लिए सुनने को मिलते हैं, पटाली, आइटम, कमसिल कलियां, तो यह सुन के दिल जलता है कि हमारी माताओं बहनों के लिए ऐसे अशब्द प्रयोग होते हैं। तो चार लाइन के, मुझको सारी दुनिया की जीवन दाता लगती है, मुझको सारी दुनिया की जीवन दाता लगती है, और भारतीय संस्कृति की सुज्य सुझाता लगती है, तुमको भारत की बेटी में कमसिल कलियां दिखती होंगी, लेकिन मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती हैं। और किसी को काजल भाया खूब, किसी को लाली भाई खूब, किसी को लगे लुभावन लाल गाल लट लाली भाई, किसी को नैन भा गए और किसी को भाती है मुस्कान, कोई तकता नैनों की और कोई तकता है कुंडल कान, कोई यौवन पर करता चाल आहा पर मरने को तैयार, कोई तन बदन देख ओट दबारा दास से हर बार, सभी को मेज भारे अंग मिटाने को वही सी अरमान, नारी को समझा जाने लगा कोई खेलने का सामान, नारी को समझा जाने लगा कोई खेलने का सामान, और राम की राम दृष्टि देख काम में फंसता जाता नित्य, भूलकर माँ बहनों का मान कर रहा नित्य घिनौने कृत्य, हाय कैसा परिवर्तन हुआ संस्कारों में भी विचित्र, देखने को यहाँ मिलते हैं अश्लील अखबारों में भी चित्र, चला टेलीविजन का दौर लेकर मनोरंजन का नाम, बेटियाँ अधनग्न हो गईं उठाए बेटों ने भी हाथ में जाम, तड़प कर मरी हाय रे हया देख ना पाई अवसाद, भूल कर मानस के गुरु मंत्र गालियों से हो रहा है संवाद, भूलकर मानस का मंत्र गालियों से हो रहा है संवाद, और माँ माँ वो जिसकी कोख में शौर्यता पलती रहे, माँ वो जिसकी कोख में शौर्यता पलती रहे, शौर्यता जिसमें वतन की वो भावना जलती रहे, भावना वह जो बरी हो देश हित के भाव से, भाव वह जो राष्ट्रत्व कामना हो बदलाव से, बदलाव वह जो खाल को वर्दी बना के छोड़ दे प्राण तो झंडा वतन का ओढ़ ले कर्तव्य अनुशासन जो पूरे चाव से, चाव वह जो देश हित में मूछे मरोड़े ताव से, ताव वह जिसमें छलकती दिख रही हो वीरता, वीरता जिसमें छिपी गंभीरता हो धीरता, धीरता जो वृक्ष के एकार रेखांकित करे, वक्त जो अपने पटल पर राष्ट्र को एकांकित करे, उस प्रसव पीड़ा तक पहुंचे मेरी संवेदना, धन्य वो हर कोक जिस कोक से सैनिक जना, धन्य वो हर कोक जिस कोक से सैनिक जना। और राष्ट्र की बातें देश की बातें यहाँ लोग सुनना कम पसंद करते हैं, वीररस कवियों पे एक आरोप लगा के ये चिल्लाते बहुत हैं कि जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, और वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते, और या तो वचुलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो वचुलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे और कलम को तोड़ देंगे हम, कागज को फाड़ देंगे और कलम को तोड़ देंगे हम, और भारत के इतिहास पे गौरवशाली इतिहास पे चार लाइनों के संग मैं आपसे विदा लेता हूँ कि ना मानो यदि तो प्यारे इतिहास उठाकर देखो तुम, भरत वंश की मिट्टी की कोई बात उठाकर देखो तुम, अरे
उत्तर से दक्षिण तक का शिलान्यास उठाकर देखो तुम, देशभक्त की कथा कोई भी खास उठाकर देखो तुम, वहाँ राणा और शिवाजी के संग्राम लिखे मिल जाएंगे, शब्द भेदने वाले तुमको बाण लिखे मिल जाएंगे, 2 क्विंटल का कवच डाल हथियार दिखा मिल जाएगा तुमको, राणा की रंगत का विस्तार लिखा मिल जाएगा, अरे मुगलों की छाती पर भी तुमको छाप लिखी मिल जाएगी, मुगलों की छाती पर भी तुमको छाप लिखी मिल जाएगी, और राणा के संचेतक की भी ताप लिखी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।